पाए हर खबर सबसे पहले सिर्फ लाइव टुडे पर। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। वही उत्तर प्रदेश में कोई सियासी जमीन को तलाशने के लिए भले ही कांग्रेस जी जान लगा रही हो, लेकिन कांग्रेस का गढ़ कहे जाने वाले सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली में कांग्रेसी ही कांग्रेस को साफ करवाने में जुटे हैं। दरअसल रायबरेली में 35 कांग्रेसियों ने एक साथ सोनिया गांधी को इस्तीफा भेजा है और बताया जा रहा है कि जिला कार्यकारिणी के अन्य दलों से आए लोगों को तवज्जो देने के बाद संगठन से जुड़े पुराने पदाधिकारियों में रोष है। इस्तीफा देने वाले पदाधिकारियों की माने तो हाल ही में हुए संगठन के चुनाव में पुराने कांग्रेसियों की अनदेखी की गई और उन्हें निष्कासित कर दिया गया। वजह ये रही है कि ये चुनाव प्रक्रिया में कांग्रेस के भेदभाव करके गैर दलों के लोगों को तवज्जो दे करके इसमें काम किया गया और जो हमारे पुराने निष्ठावान कांग्रेसी थे जिन्होंने अनुशासित तरीके से अपनी बात हाईकमान तक पहुंचाने की कोशिश की उनको मनमाने तरीके से जिला अध्यक्ष पंकज तिवारी जी ने और क्वाड्रिनेटर की मिली भगत से उनको निष्कासित कर दिया गया जिन्होंने 25-30 साल से अपनी सेवाएं दी हैं कांग्रेस को उनको निष्कासित कर दिया गया। ऐसे हम अपने कार्यकर्ताओं के लिए